मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिला प्रशासन की लॉकडाउन में दी गई ढील, तो बाजारों में लौटी रौनक। ग्राहक न आने से दुकानदारों के चेहरे पर छाई मायूसी। आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 22 मार्च से लॉकडाउन के कारण बंद पड़े बाजारों में आज जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दिनों और 3 सीमा अवधि के तहत आज कपड़ा बाजार, ज्वेलर्स एवं जूता व्यापारियों ने अपने अपने संस्थान खोले और साफ सफाई की। मिशन मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकानें में दीमक लगने से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं पे बरेली में सब्जी मंडी कपड़ा मार्केट में जो रमजान के दिनों में खचाखच भरी रहती थी, दुकानदारों को बात करने की फुर्सत नहीं होती थी। आज दुकान में 6 खोल कर खाली बैठे थे, ग्राहकों को कोई पता नहीं था। दोपहर 3 बजे तक बाजार में सन्नाटा छाया रहा। सड़कों पर लोगों का आना जाना काफ़ी रहा, लेकिन दुकानदारों की संख्या कम रही। जिला प्रशासन ने सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार सूचीबद्ध तरीके से प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक दुकानें खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी है। अगर किसी ने पालन न किए गया तो लॉकडाउन में दी गई ढील वापस ली जा सकती है। ईद के त्यौहारों में रमजान के आखिरी सप्ताह में जमकर खरीदारी होती थी, लेकिन इस बार 5 दिन में रह गए हैं। ऐसे में दुकानदारों को बिक्री होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है और कुछ दुकानदार दुकान पर मायूस बैठे नज़र आ रहे हैं। वहीं पर हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता एवं अजय चंद्रा ने जाकर रिपोर्ट ली और उन्हें दुकानदार के हाल बताए। आइए जानते हैं दुकानदारों ने इस संबंध में क्या कहा। भैया, आपका नाम? तालिब हुसैन। तालिब हुसैन, आज आपको कैसा लग रहा है? आज आपकी शॉप खुली है? आज एक बड़ा दिन है व्यापारियों के लिए कि 2 महीने के गैप के बाद आज पूरा मार्केट खुला है, बाजार में रौनक है, रौनक लौटी है दोबारा। आप सरकार के माध्यम से कैसा करेंगे जो यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो, जो 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 कानून और नियम तय किए गए हैं उसका संपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। सब लोग मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज किया, पूरी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। ये सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो भी ग्राहक आया है सब पहले सैनिटाइज करने के बाद ही उसे एंट्री, और बिना मास्क के ग्राहक को एंट्री नहीं देगा। आगे भी आपका ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये बीमारी का खात्मा नहीं होता तब तक ऐसे। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? विशाल मेहरोत्रा। किस संगठन से हैं? किस संगठन से? मैं राज जागरण उद्योग व्यापार मंडल जी। हाँ, आज जो लॉकडाउन में 54 दिन बाद जो बाज़ार खुला है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये बाज़ार खुला है निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आशा की किरण है, क्योंकि ईद का त्यौहार सबसे ऊपर है और जो हमारे रेडीमेड फुटवेयर असेंशियल चीज़ों वाले हैं उन व्यापारियों को काफ़ी राहत भरा है। लेकिन चूँकि आज पहला दिन है, बाज़ार में काफ़ी चहल पहल है, रिक्शों की आवाज़ाही बहुत है और व्यापारी भी अपनी दुकानें काफ़ी टाइम के बाद खोल के बैठे हैं, तो उन्हें अभी देखने समझने में कस्टमर का इंतज़ार है और हम लोग देख रहे हैं कि शायद बाज़ारों में फिर से रौनक लौटेगी। इस उम्मीद के साथ सारे दुकानदार अपनी प्रतिष्ठानों को खोल के बैठे हैं। क्या नाम आपका? राजकुमार है, यहाँ का बरेली शराब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज जो है इतने समय बाद मार्केट खुला है और कुछ किस तरह का है माहौल? देखिए, मार्केट खुलने से कम चहल पहल हुई, लोग बाहर आए, उन्होंने वहाँ का आनंद लिया, लेकिन आज कोई विशेष गायकी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ईद के गायक बहुत कम आते हैं। इस समय उसकी नेसेसिटी है रेडीमेड या कॉस्मेटिक का सामान की, लेकिन बाज़ार खुलने से लोगों का उत्साह बढ़ा और लोगों को दिखाई दिया भी सामान अब हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर ये ऐसी चालू रहेगा तो हम समझते हैं बाज़ार को अच्छी रेस्पॉन्स मिलेगा। और अच्छा पहल है ये सरकार की और प्रशासन की, उन्होंने सबके बात करने के बाद ये समन्वय बनाया। इसमें तो रेडीमेड पर होगी या कॉस्मेटिक पर होगी चौक बाजार में, और वो भी शाम को होगी, इस समय नहीं होगी क्योंकि धूप आज बहुत तेज है। प्रेम प्रकाश अग्रवाल, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ बरेली सराफा मंडल में। आज 56 दिन बाद एक अवसर मिला है लोगों के पास बीच में एज बिजनेसमैन जाने का, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में अभी भी भय व्याप्त है और लोग बहुत आशंकित हैं। सरकार का ये अच्छा कदम है कि उन्होंने आज खोल के कम से कम थोड़ा डर निकलेगा, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रही और अफरा तफरी का माहौल बना तो ये बहुत दुखद होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, हमने भी अपने पूरे शोरूम में सोशल डिस्टेंसिंग करी है,
एक मीटर से ज़्यादा की दूरी एक दूसरे के बीच होगी, जो भी कस्टमर आएगा उसको इस तरह से रखा जाएगा कि हम जो सरकार के मानक हैं उनको पूरी तरह से लागू करें या अपने स्वास्थ्य की, उसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी हम लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और जो भी मानक तय किए गए प्रशासन शासन द्वारा उनका भरपूर पालन करें, और ये हम जरूर करेंगे। बरेली का सर्राफा इन्होंने सोमवार, बुध और शनिवार ये तीन दिन के लिए एक हफ्ते में सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक के लिए खोला है। ये ऐसा चलता रहे तो एक थोड़ा सा आएगा और आने वाले जो त्यौहार हैं वो सब लोग प्यार मोहब्बत से मना पाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो तरीका है उसको मेंटेन करेंगे। बार बार हाथ के लिए हमने यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा है, चप्पलें बाहर उतार के अंदर आना है और वहाँ सैनिटाइज़ करना है और पूरी तरीके से शोरूम को भी सैनिटाइज़ करना है, इस तरीके से व्यवस्था रखी गई है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।